अपोजिशन को कहता हूं बड़े शौक से मार्च करें। आप तो हमें पिछले दिसंबर में सलाम अलैकुम कह चुके थे, आप हमारा इस्तीफा लेने आ रहे थे, आप फंस जाएंगे। दुनिया के हालात को समझने के लिए आपके अंदर अक्ल और शऊर नहीं है, आप दीवार से पीछे देखने की सलाहियत नहीं रखते। दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के गिर्दोनवा होने जा रही है और आप लारी अड्डा खेल रहे हैं कि मारे हैं जनाब आए। फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे आपके एहतराम के साथ। पाकिस्तान बदल गया है, पाकिस्तान की सियासत बदलने जा रही है, पाकिस्तान की सारी दुनिया पे कौमी जिम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे है, क्योंकि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान किसी भी दहशतगर्द ताकत को इस्तेमाल कर सकता है। जो कुछ इंडिया में, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोग्राम हो रहे हैं वो इंतहाई बेहुदा भोंडे और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती की जिम्मेदारी भी पूरी करेगा, बैन अल-अक़वामी तकाजे हैं उनको भी पूरा करेगा, लेकिन दुनिया ये ना भूले कि हमारी छाती पे 80,000 लोगों की शहादत है। आप तो हज़ारों में गए हैं, कोई 3,000 गया, कोई 200 गया, कोई 600 गया, कोई 400 गया, हम 80,000 शहादतें देने वाले अमन की खातिर मुल्क हैं और लाख से ज़्यादा हमने अपने आप को माजूर हुए हैं हमारे लोग, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हुए।